दोस्तों, जब से आधार यूपीआई आया है, मतलब कि डेबिट कार्ड के जगह पे आधार नंबर का यूज करके यूपीआई पिन बनाने का सिस्टम एनपीसीआई ने जब से लाया है, तब से लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि हमारे बैंक में कब आएगा, इस बैंक में कब आएगा, उस बैंक में कब आएगा। तो दोस्तों, अगर ये अपडेट आप पाना चाहते हैं कि आपके पास जो बैंक है उस बैंक में आधार यूपीआई कब आएगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि 3 नए बैंकों में आधार यूपीआई का ऑप्शन आ चुका है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं और कैसे बनेगा वो भी हम यहाँ पे करके लाइव दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, तो एनपीसीआई ने एक नया सिस्टम लाया है कि आधार नंबर का यूज करके आप यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं, और जब तक यूपीआई पिन सेट नहीं करेंगे, आपका ट्रांजेक्शन वगैरह यूपीआई के थ्रू नहीं किया जाएगा, चाहे वो फोन पे हो या भीम हो या पेटीएम वगैरह या गूगल पे हो, कहीं भी ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको यूपीआई पिन की जरूरत पड़ती है। तो वो यूपीआई पिन जो है आपके डेबिट कार्ड के मदद से बनाया जाता है, मगर अब जो है एनपीसीआई ने ये सिस्टम जब से लाया है कि आप अपने आधार नंबर का यूज करके यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। यह सिस्टम सबसे पहले एनपीसीआई ने भीम के अंदर लाया था, भीम के बाद अब फोन पे में भी आ चुका है, मगर फोन पे में अभी कोई भी बैंक अभी अपडेट नहीं किया है कि हम आधार यूपीआई से पिन बना सकते हैं। आप यूपीआई पिन आधार नंबर से बनाना चाहते हैं अपने बैंक के लिए, तो आपको भीम एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करके रख लेना चाहिए, क्योंकि अभी उसमें नया नया अपडेट आ रहा है। आपका कौन सा बैंक है कमेंट करके जरूर बताइएगा, जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कौन से 3 ऐसे नए बैंक है जिसमें आधार यूपीआई का ऑप्शन जोड़ा गया है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले भीम एप्लीकेशन को आप ओपन कर लेंगे, इसमें अकाउंट बना लीजिए जाके। देखिए, अगर भीम एप्लीकेशन में आप यूपीआई पिन बना लेते हैं तो फोन पे वगैरह में भी आप यूज कर सकते हैं, वहां पर पिन बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भीम एप्लीकेशन को ओपन किया, ओपन करने के बाद लॉगिन हो गए। देखिए, यहाँ पे मैंने बैंक ऐड किया बहुत सारा, वो आप यहाँ पे देखेंगे अभी। चलिए देखिए, यहाँ पे बहुत सारा बैंक मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही पंजाब नेशनल बैंक में आया था, जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर 6 डिजिट का पिन बना लिया है। अभी जो बैंक आया है नया, उसमें जो है फेडरल बैंक का लिस्ट जोड़ा गया है कि फेडरल बैंक में आधार यूपीआई का ऑप्शन आ गया है। अब देखिए, यहाँ पर 3 बैंक हम क्यों बोल रहे हैं गाइस, क्योंकि देखिए फेडरल बैंक का को बैंक जो है, जैसे कि FI वाला बैंक है या फिर आपको जुपिटर बैंक है, अगर इनमें से कोई भी अकाउंट आपके पास है तो आप यहां पर आके यूपीआई पिन आधार कार्ड की मदद से बना सकते हैं। तो देखिए, ये मेरा फेडरल बैंक आ रहा है। एक्चुअली मेरे पास फेडरल बैंक का अकाउंट नहीं है, मेरे पास जुपिटर बैंक का अकाउंट है, उसी को सर्च करके फेडरल बैंक में यहां पर आ रहा है, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे तो यहां पर जुपिटर बैंक नहीं आएगा, बल्कि आपको फेडरल बैंक सर्च करना होगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, यहां पर आधार कार्ड का ऑप्शन है, आधार नंबर का ऑप्शन, उसको क्लिक करेंगे तो यहां पर एक इन्फॉर्मेशन निकल के आता है कि आपके बैंक में और आपके आधार में दोनों जगह आपका मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए, और तभी आप जो है भीम यूपीआई में अपना पिन सेट कर सकते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे आधार नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, आप इसको रीड कर ले चाहे तो। उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन है, एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ लोडिंग लेगा। हो सकता है गाइज यहाँ पे कुछ एरर आएगा, क्योंकि अभी देखिए ये नया अपडेट किया गया है फेडरल बैंक में। तो आपको क्या करना है, 1-2-3 दिन के बाद यहाँ पर ट्राई करते रहना है, किसी न किसी तरह से आपका यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। अभी ये नया अपडेट आया है तो हो सकता है यहाँ पर एरर आपको देखने के लिए मिल सकता है।